हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि शर्मा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शॉर्टकट मेथड से बताऊंगी और ये जितने भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, सीटेट हो गया आपके, और जितने टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम्स हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं वो सीखने की कोशिश करिए, तो आपका टाइम सेव होगा और आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये निकालेंगे। बड़ी से बड़ी डिजिट का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो पहले इसके कुछ रूल्स हैं, सबसे पहले मैं वो समझा देती हूँ और इसके बाद फिर आप ये क्वेश्चंस करिएगा। देखिए, नंबर सिस्टम का ये असाइनमेंट है जिसमें 1 से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस 30 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और 30 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक। तो इसमें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए हैं वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हैं ये वाले जो क्वेश्चन हैं। देखिए, सब में पावर्स लगी है, ये देखिए पावर वाले क्वेश्चन हैं, ये पावर वाले क्वेश्चन हैं, तो ये यूनिट डिजिट वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से लेकर के ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये पूरे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम आज ये यूनिट डिजिट ही समझ लेते हैं, एक एक करके टॉपिक करेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले रूल समझ लीजिए इसके, कि रूल्स क्या हैं इसके नंबर सिस्टम में। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए 17 to the power 1991, इसकी हमें निकालनी है यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, तो 2 into 2 मतलब पावर 2 ऐसे दो बार लिखी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आ गया, ठीक। यानी कि जितनी पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है, जो लास्ट की डिजिट आएगी वो यूनिट डिजिट है। अब मान लीजिए 7 का स्क्वायर है सपोज, तो 7 का स्क्वायर 49, ये आपका यूनिट डिजिट हो गई। यूनिट डिजिट कितनी होगी इसकी, 9, यूनिट डिजिट 9 हो गई इसकी, ठीक है। तो इसी मेथड से ये छोटी छोटी पावर्स हैं, कम पावर होंगी तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन जब पावर आपकी इतनी ज़्यादा हो जाए 1991, इसको इतने टाइम तक मल्टीप्लाई करोगे, इससे बेटर है कि आप इसके कुछ रूल्स देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो भी पावर होगी उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो भी आएगा हमारा उसको पहले सॉल्व करेंगे। पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 16 आ गया, ये 3 आ गया, 36 हो गया, 3 आ गया। अब देखिए 3 आ गया रिमाइंडर का, ठीक है। अब जितना रिमाइंडर होगा वो लास्ट डिजिट क्या है, 7, तो आप ये देखिए मैंने एरो भी लगा दिया, ये 7 तो आया क्योंकि यहाँ पर 7 है, ठीक है। और ये इसकी पावर में चल गया जाएगा रिमाइंडर, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी पावर दी है उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट की पावर हो जाएगी। तो लास्ट डिजिट 7 हो गया, 7 की पावर 3 हो गई, हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 343, यानी कि लास्ट में आपका आंसर 3 आ गया, मतलब 7 की पावर 3 का क्यूब निकालेंगे और इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो आप लर्न कर लीजिए। रूल नंबर 1, इफ लास्ट डिजिट इज क्या क्या हो, 0, 1, 4, 6, 5, 6, अगर लास्ट में ये डिजिट है तो आपको डिवाइड भी नहीं करना है, जो डिजिट दी है वही आपका आंसर है, पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया,
7, 8, 9, 6 to the power 1, 8, 2, 4, 7. अगर सपोज ये होता, आप देखिए लास्ट में 6 है, आप देखिए 6 याद दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6. मतलब अगर इनमें से कोई भी डिजिट डी है 0, 1, 5, 6, तो आप पावर कुछ भी हो, कितनी बड़ी डिजिट हो, लास्ट डिजिट अगर ये है तो वही आंसर होगा जो डिजिट डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है रूल कि अगर पावर को डिवाइड करें, इफ पावर डिवाइडेड बाय 4 और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, इफ लास्ट डिजिट अगर इवन है, तो आंसर हमेशा 6 आता है. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. कि अब इसको एक एग्जांपल से समझा देंगे तो वो चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको. कि मान लीजिए कोई एग्जांपल है 72 to the power, ये हो जाएगा 8, 4, 3, 6 टू द पावर, अगर 72 है और इसका हमें बताना है यूनिट डिजिट. ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है और इसमें अगर यूनिट डिजिट बताना है तो कैसे निकालोगे. अब देखो 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0. 72 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया. अगर रिमाइंडर 0 है और लास्ट की डिजिट, लास्ट डिजिट कौन सी, 6. ये देखिए 6 इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हमेशा. अगर लास्ट डिजिट इवन है तो 6 आएगा. अगर इस 6 की जगह 2 होता, 4 होता, 8 होता, तब भी इसका आंसर 6 आता. वो तो यहाँ पे 6 दिया है इसलिए ये आंसर 6 नहीं आया, क्योंकि रूल है लार्ज डिजिट अगर इवन होगी तभी आंसर 6 आएगा. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई. इसके बाद नेक्स्ट है, सपोज अब हमको यूनिट डिजिट बतानी है. किसकी बतानी है यूनिट डिजिट, 2, 4, 7 × 4, 9, 3 × 7, 42. अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन ये है आपका. अब इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, एक काम करो, सबसे पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो. 7 × 3, 7 × 3 = 21. अब देखिए डबल डिजिट आ गई तो हमें सिंगल डिजिट ही लेनी है, यानी कि हमें ये 1 लेना है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2. मतलब ये कि लास्ट वाली डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जहाँ डबल डिजिट आएगी उसका भी सिर्फ यूनिट नंबर लेना है, उस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया. इसी मेथड से देखिए हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए फाइंड यूनिट डिजिट, इसका निकालना है. ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2, 4, 6, 7 power 153 × अब देखिए 341 है और मैंने रूल में क्या लिखवाया था, ये लास्ट डिजिट अगर 1 है, 0 और वो, तो इसका तो हमेशा 1 ही हो जाएगा. ठीक, इसके लिए हम 153 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 ये आ गया, 8, 5. ये हो जाएगा 8 टाइम्स चला जाएगा 32. यहाँ पे लिख लीजिए ठीक से, 32 यानी कि रिमाइंडर आ गया 1. अब देखिए रिमाइंडर 1 आ गया तो 7 की पावर 1 × ये आंसर क्या आ जाएगा 7. देखिए 7 आपका आंसर दिया हुआ है ये. ठीक है,
ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड इसकी पावर और इसकी पावर जो भी है वैसे ही 4 से डिवाइड करके प्लस कर देना है और निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन भी होगा, ये भी निकल जाएगा। इसके बाद अब जैसे क्वेश्चन आता है ये फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, 81 से लेके 89 तक मल्टीप्लाई है, 81, 82, 83, डैश 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 89। अब देखिए कहीं ना कहीं तो 85 भी बीच में आएगा, डैश डैश मिस हो गया, जो मिसिंग टर्म हैं वो भी लिखने हैं आपको, जो मिसिंग टर्म्स हैं। तो मिसिंग टर्म में हमें क्या लिखना है, 81, 82, 83, 84, 85। अब देखिए 5 जहाँ पर भी आ जाए ठीक है, और बल्कि हमें 8 बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम 8 हटा भी सकते थे, जैसे अभी तो हमने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करिएगा तो सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे। तो देखिए 5 × 4, अगर एक 5 आ जाए और एक कोई इवन नंबर हो ठीक, तो आंसर हमेशा 0 आता है, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे 5 आ गया और एक इवन नंबर मिल गया, यानी 5 × 4 = 20, 0 लास्ट में यूनिट, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो आंसर इसका क्या हो गया, 0 ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन में कहीं फंस सकते हो, इसलिए मैं करवा देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 459, ये है जो यूनिट डिजिट इसका 2 दिया है, देखिए 459 × 4628 * और आगे क्या है × 484 और इसकी जो यूनिट डिजिट दी है ऑलरेडी वो 2 दी है ठीक। अब हम इसको करेंगे कैसे, हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 9 जो जो गिवन है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दें ठीक। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 9 × 6 = 54 ठीक। अब ये 4 × 4 = 16, अब देखो लास्ट में 6 आ गया, जो जो नंबर दिए उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में आपका 6 नंबर आ जाएगा ठीक। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आ जाए, तो या तो 2 होगा या 7 होगा, मतलब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 2 आए, तो 6 × 2 = 12, 12 में भी 2 आता है लास्ट में, 6 × 7 = 40, 6 × 7 = 42। तो आंसर या तो 2 भी हो सही है, 7 भी करेक्ट है, जो ऑप्शन में दिया हो उसको आप टिक कर दीजिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये, समझ में आ गया, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, बस ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपका ये फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये भी हो जाएगा। देखिए सबका यूनिट नंबर अलग अलग निकालिएगा और सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ठीक है। तो इसमें अभी हमारे 7 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं और यूनिट डिजिट के हमने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को करिएगा, इसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, इसके बाद जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए।